हेलो गाइस एंड वेरी वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ फुडनिया। तो दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ HSR क्लब के पास गोपाल जी कैफे की नई फ्रेंचाइजी का रिव्यू करने के लिए। यहाँ पे हम लोग आज कुछ डिफरेंट टेस्ट करने वाले हैं जो शायद मैंने अभी तक गोपाल जी के टेस्ट नहीं किया है। सॉरी फॉर द डकार, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता करके आया हूँ, बट इट्स ओके। तो मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली चलते हैं गोपाल जी कैफे में और आपको बताते हैं कि आज हम क्या क्या चीज़ें खाने वाले हैं, उनको बनते हुए दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे उसका रिव्यू की वो स्वाद में कैसे है। सो ये रहा वो गोपाल जी कैफे। यहाँ आप पार्किंग भी कर सकते हैं, तो अ वेरी गुड स्पेस फॉर पार्किंग एज वेल। और बाहर ही बिल्कुल टेम्पटिंग टेम्पिंग डिशेज के फोटोज़ हैं। सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे लगी, कि बल्कि सारे कैफेज़ में होती है गोपाल जी के, कि बैठने का स्पेस काफ़ी अच्छा होता है। तो बैठने का स्पेस काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे अपना ऑर्डर देंगे और सामने किचन का एरिया जहाँ से आपको अपना ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो आइए फटाफट ऑर्डर देते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे वहाँ चल के किचन में कि चीज़ें कैसे बन रही हैं। काफ़ी अच्छी एम्बियंस है यार, और ये मटके वाला पानी इज जस्ट अमेजिंग यार। तो यहाँ गोपाल जी कैफे में आपको पूरा चाट स्टॉल भी है, जिसमें आप गोल गप्पे, पापड़ी चाट और राज कचौड़ी, दही की पकौड़ी सब खा सकते हैं। साथ ही साथ ये लंच का टाइम है, तो यहाँ पे आपको दाल, चने, आलू की सब्जी, चावल सब मिलेगा, कचौड़ी भी मिलेंगी। और जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाने वाला हूँ, तो अंदर चल के हम लोग बनाएंगे यहाँ पे अपने गोभी के पराँठे बनते हुए दिखाऊँगा, और साइड में मैं आपको बनते हुए दिखाऊँगा बेदनी पूरी। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना गोभी का पराठा बनते हुए। यहाँ पे हम लोगों ने एक प्लेट गोभी का पराठा ऑर्डर किया है और साथ ही साथ एक बेदमी पूरी की प्लेट भी ऑर्डर करी है। बेदमी पूरी की प्लेट मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा, सबसे पहले पराठे बनते हुए दिखाते हैं। दो पराठे होते हैं एक प्लेट में, मैं आपको एक ही बनते हुए दिखाऊंगा, उसके बाद दूसरा उसी तरीके से बन जाएगा हमारा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी हमारी आटे की बॉल्स हैं ये, तो काफ़ी हैवी होने वाला है, मुझे देख के पता लग रहा है। और ये भैया ने अपने हाथों से हल्का हल्का ऐसे फैलाया ताकि इसके अंदर फिलिंग की जा सके। और ये आप देख सकते हैं गोभी की फिलिंग हमारी काफी लाजवाब पहले से बनी हुई रखी थी यहाँ पे। इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है भैया गोभी के साथ साथ? मिर्ची मसाला वसाला रहता था इसमें। अच्छा, मिर्ची और मसाला वसाला है। बढ़िया, धनिया बढ़िया। ये हमारी पैक हो गई है एक बॉल, आटा इसके ऊपर लगाया गया है ताकि जब ये बेला जाए तो फटे ना बिल्कुल भी, और अगर फटे भी तो उसको अच्छे से चिपकाया जा सके वापस। काफ़ी हैवी लग रहा है यार देखने में, नरम हाथों से भैया ने अपने यहाँ पे पराठे को सॉफ्ट करना स्टार्ट किया। बटर में सेका जाता है भाई यहाँ पे? कौन सा बटर है? बटर में ना ये वाला। बढ़िया, ये पराठा उठा और ये गया हमारे बड़े से तवे पे। बढ़िया, तो अब इसे थोड़ा पकने देते हैं। पराठा दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है, अब इस पर डाला जा रहा है हमारा बटर। और ये रहा बटर कहाँ से आ रहा है, और देखिए काफ़ी अच्छे से इस पर बटर लगाया जाएगा ताकि आपको स्वाद आए इस पराठे को खाने में, गोभी का पराठा जो कि है। तो काफ़ी अच्छे से पकाया है भैया ने, मैंने देखा। अमेजिंग पराठा लगने वाले हैं मुझे ये। और काफ़ी अच्छे से फिलिंग, तो अच्छी फिलिंग, अच्छे अमाउंट में बटर और काफ़ी गोल तरीके से बनाया हुआ पराठा, दिखने में जो काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है। स्वाद में आपको बाहर चल के बताऊँगा, नियरली पकने के कगार पर खड़ा है ये अब। तो इसे ऐसा करते हैं, इसे बिल्कुल फाइनल स्टेज में पकने देते हैं। इतने अब मैं आपको बेदनी पूरी दिखाता हूँ, और जब ये प्लेट बाहर आएगी तब मैं आपको उसका फाइनल व्यू और साथ ही साथ उसका स्वाद भी बताऊँगा। नियरली तैयार है ना ये? बढ़िया। तो यहाँ हमारी बन रही है बेदनी पूरी। एक प्लेट में तीन पूरी आती है ना भैया? बढ़िया। और ये जो आटा है इसके अंदर ऑलरेडी बेदनी वाला मसाला मला हुआ है, राइट? बढ़िया। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं साइज़ मुझे काफ़ी डिसेंट लग रहा है पूड़ियों का, पूड़ियों के हिसाब से खासकर। और ये दो हमारी बेली जा चुकी हैं, तीसरी पूड़ी भी हमारी बेली जाएगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा जब ये तड़कती बड़कती पूड़ियाँ हमारी कढ़ाई में जाएंगी तो कैसे फूलेंगी, कैसा कलर आएगा और उसके बाद इसका स्वाद।
तीनों पूड़ियाँ हमारी बेली जा चुकी हैं और अब ये उठ के जाने वाली हैं साफ सुथरी कढ़ाई में। बढ़िया, पूड़ी आप देख सकते हैं, तेल बिल्कुल खोलता हुआ गरम गरम गोल्डन ब्राउन कलर हमारी पूड़ियों का, और ये पूड़ियाँ भी बिल्कुल अच्छे से फूली हैं। अमेजिंग यार, मुँह में पानी आ गया। पूड़ी आज की चॉइस जो है वो ईशांकी की है, तो आई होप ये भी मज़ा आने वाला है आज हमें खाने में। तीनों पूड़ियाँ तैयार हैं, तो आइए अब प्लेट लगने देते हैं और उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट बाहर चल के इनका रिव्यू देता हूँ। ये आ चुकी है मेरी प्लेट गोभी के पराठों की। आप देख सकते हैं गोभी कितनी बिल्कुल लबालब भरी हुई है पराठे के अंदर, काफ़ी खोलता हुआ पराठा हो रहा है। ये हमारी प्याज, गाजर का अचार, मिर्ची का अचार, दही हल्के से मसाले के साथ और हरी चटनी। ओवरऑल प्लेट ये जो पड़ती है आपको अप्रॉक्सीमेटली पड़ती है 160 की, तो दो इतने हैवी पराठे इन बेंगलुरु इट्स टोटली जस्टिफाइड। और आपको एसी में बैठने का मौका मिलता है, अच्छे माहौल में, वातानुकूलित माहौल में आपको बैठने का मौका मिलता है। तो गोपाल जी कैफ़े पे यहाँ पे ये पूरी 160 की प्लेट है। दूसरी चीज़ जो हमने बनवाई थी दैट इज़ अवर पूड़ीज़, जो कि हमें आलू की सब्ज़ी के साथ मिली है। आलू की सब्ज़ी अगर आपको दोबारा लेनी है तो आपको इसके एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। ग्रीन चटनी यहाँ भी मिली है और साथ ही साथ जो सैलड हमें पराठे वाली प्लेट में मिला था वो यहाँ भी मिला है। पूड़ी चॉइस है हमारी इंडियन अदर दैन ईशांकी मैडम की, थोड़ा हंस दो, एंड पराठा चॉइस है मेरी। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट अपने इन टेस्टी से पराठों का स्वाद लेते हैं और उसके बाद इन गोल गोल पूड़ियों को खा के आपको बताएंगे कि इनका टेस्ट कैसा है। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अटैक करने वाले अपनी पूड़ियों पे। ये पूड़ी हमारी फूली हुई खोलते हैं ऐसे, इसके अंदर बेदनी मसाला भरा हुआ है जैसे उन्होंने मुझे बताया, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलेगा क्योंकि आटे में मला गया है ऐसे, बट स्टिल मुझे दिख रहा है कि मसाला है इसमें। तो इसको एक बाइट को ब्रेक करते हैं। ईशांकी मैडम सब कुछ क्लियरली दिख रहा है ना, एंड ये अचार है हमारा। इस अचार को मसाले को हल्का सा यूज़ करते हैं, आखिर उसी में टेस्ट होता है। एक प्याज का बाइट रखते हैं और इस आलू की टेस्टी सब्जी में जो भी दोबारा लेने पे आपको पैसे देने पड़ेंगे, फिर डिप करते हैं और इसे हल्का सा सरसों तेल का फ्लेवर अचार की वजह से सब्ज़ी काफ़ी अच्छी हो रही है। अगर मैं स्पाइसीनेस लेवल की बात करूं, वेरी डिसेंट, बिल्कुल घर जैसी। स्वाद की बात करूं, तो आई थिंक 10 में से 9 और 9.5 तो घर के आसपास है हमारी। अब एक काम करते हैं, एक बार मैं शांति से कहूंगा कि एक बार फिर से दिखाए, और इस बाइट को मैं और सिर्फ चटनी के साथ खाने वाला हूँ, जैसे उसी की चटनी कैसी है इनकी। गाढ़ी चटनी, खट्टी खट्टी और ठंडी, ऐसी चटनी पुदीने वाली स्पाइसी हो ना और साथ ही साथ थोड़ी सी ठंडी हो तो मज़ा आ जाता है। तो ये पुदीना की चटनी है हमारी, मज़ा आ गया। एक बाइट ऐसा करते हैं पूड़ी का, सिर्फ और सिर्फ आलू की सब्ज़ी के साथ। मज़ा आ गया। आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत दिन हो गई थी नहीं खाई थी, शांकी बहुत देर से बनाती है दोहरा, पर स्टिल मज़ा आ गया यार ये वाली खा के। साइड में रखते हैं सिर्फ। दूसरी चीज़ आते हैं हमारी दैट इज़ गोभी का पराठा। गोभी का पराठा काफ़ी, जैसे आप देख सकते हैं, काफ़ी स्टफ्ड, काफ़ी अच्छे से भरा हुआ है। बनते हुए भी मैंने आपको दिखाया था, बटर इस पर दिल खोल के लगाया गया है। एंड इट्स नॉट जस्ट कि मेरे आने पर लगाया गया, लगाया ही जाता है, मैंने पूछा उनसे। तो ये मैंने ब्रेक करा और बिल्कुल बीच में से लेते हैं ताकि फिलिंग का और ज़्यादा आनंद आए। और इस बाइट को खाते हैं प्लेन सिर्फ दही के साथ, क्योंकि दही के साथ स्टफ्ड पराठे खाने का एक अलग ही मज़ा है। तो ये मैंने दही में डिप किया, पराठा लाजवाब है। दही थोड़ा और ठंडा हो सकता था, रिसेंटली ठंडा है, बट इट्स ओके, मैं यहाँ पे कंप्लेंट नहीं करूँगा। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया, बट अगर दही बहुत ज़्यादा अच्छा होता, ठंडा होता तो मज़ा आ जाता, बस मैं क्या बताऊँ। दूसरा बाइट लेते हैं और एक दूसरे बाइट को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं अपनी पुदीना चटनी के साथ। हाँ,
कंपेयर करूँ अगर मैं कि दही के संग ज़्यादा मज़ा आया पुदीना के साथ, पुदीना के संग ज़्यादा मज़ा आया, ठंडा ठंडा फील हुआ और ज़्यादा तीखा भी था, स्पाइसी भी था, खट्टा भी था। दही तो अगर पुदीना चटनी 9.5 है तो दही 9 है, बस इतना ही डिफरेंस है, वो भी बिकॉज ऑफ माई ओन प्रायोरिटी। ओवरऑल द फूड इज़ अमेजिंग, तो मैं शांति से चाहूँगा एक बार फूड फिर से दिखाएं हमारे। जैसे सब गोभी का परांठा, दही पुदीने की चटनी, ये हमारा सैलेड, बेदनी पूरी, आलू की सब्जी एंड पुदीने की चटनी आई है। ओवरऑल वेरी फुलफिलिंग। तो अगर आप दो जने हैं तो शायद पूरी से नहीं तो एटलीस्ट पराठा एक प्लेट आप ले लेंगे तो काफ़ी होगा। एंड अगर आप यहाँ पे HSR में हैं तो HSR क्लब के बिल्कुल सामने गली में है भोपाल जी के, मैं आपको लोकेशन लिंक दे दूँगा। नई फ्रेंचाइजी इन्होंने यहाँ पर ओपन करी है एंड द फूड इज जस्ट अमेजिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।